नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के अंतर्गत जो 281 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हम उसी के संबंध में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे सामने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने विभिन्न 281 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 1 माह तक जारी रहेगी ये प्रक्रिया जो है। इच्छुक कैंडिडेट तय समय से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट जो BSF की है, रिक्वायरमेंट, ये आप देख पा रहे हैं requirement.bsf.government.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा नोटिफिकेशन का। तो ये जो आपके आवेदन रहेंगे वो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसीज कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी रहेगी, सीमा सुरक्षा बल BSF में भर्ती की प्रक्रिया के तहत SI मास्टर, SI इंजन चालक, SI कार्यशाला, HC मास्टर, HC इंजन की वैकेंसीज यहां पर रहने वाली हैं। अब आपकी जो योग्यताएं, पद और आयु की जो सीमा रहेगी, हम उसके संबंध में बात कर लेते हैं कि तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं ये एक टैग ए के 0.1 जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपकी पोस्ट की, आपकी वैकेंसीज कितनी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका पहला पद है वो है SI इंजन चालक। 6 वैकेंसीज निकाली गई है, यानी कि 6 पद रखे गए हैं। योग्यता आपकी जो रहने वाली है इसमें, आपकी योग्यता रहेगी दोस्तों, आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसके साथ इंजन चालक प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी से रहना चाहिए। 22 साल से 28 साल तक आपकी एज इस पर रखी है SI इंजन चालक में। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर ले तो SI कार्यशाला है। SI कार्यशाला में 2 पोस्टें रखी गई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। 20 साल से 25 साल तक एज आपकी रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर आपकी रखी गई है HC मास्टर, जिसमें से 52 पदों पर यह वैकेंसीज निकाली गई है। आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और सेरांग का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। 20 से 25 साल आपकी यहाँ पर एज रखी गई है। बात कर लें नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है SI मास्टर, 8 पोस्टें रखी गई हैं, 12वीं, और आपके पास मास्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी जो एज रखी गई है वो 22 साल से 28 साल तक रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट जो है आपकी है HC इंजन चालक। 64 पोस्टें रखी गई हैं, आपको 10वीं पास होना चाहिए, इंजन चालक प्रमाण पत्र द्वितीय श्रेणी से होना चाहिए आपके पास। आयु की बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 साल आपकी एज रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लें तो HC कार्यशाला पोस्ट रखी गई है, 19 पोस्टें हैं। संबंधित क्षेत्र में आपका ITI से डिप्लोमा होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल की आपके एज बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ये आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट का जो पद का नाम है कॉन्स्टेबल चालक दल, 130 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आपके पास क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस नाव का 1 वर्ष का अनुभव और तैराकी का अनुभव आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें तो 20 साल से 25 साल तक की अंदर आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी की बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पर सैलरी जो है मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है जनरल OBC EWS ग्रुप बी पोस्ट जो रहेगी आपकी, उसके लिए आपको 200 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। जनरल OBC और EWS ग्रुप सी की बात कर लें तो यहाँ पर 100 रुपये ग्रुप सी के लिए रहने वाली है। महिला ST SC OBC के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी है आपको। ऑनलाइन वेबसाइट में BSF की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आवेदन को
फिल करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट मिलती रहे।